नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अंजी खरबरीज में और आपके लिए आज लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। जैसे कि आप लोग हमेशा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हफ्ते में 2-3 वीडियो आना चाहिए, तो उसको ख्याल रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो आप लोग के सामने ले आऊँ। तो अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में USBRL प्रोजेक्ट और अंजी खरबरीज का अपडेट आप लोगों को मैं पहुंचाता हूं। अगर USBRL प्रोजेक्ट या अंजी खरबरीज का कोई बैकअप रखते हैं, जानने के लिए कोई इच्छुक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए कि आगे तक जानकारी पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत आप लोग को हम लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं कि हमको T2 साइट से लेके T3 साइट तक का जो भी हम लोग का साइट है उसका क्या मिसेलेनियस एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ हम लोग का बचा हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी के ऊपर मैं वीडियो एक लेके आया हूँ, T2 से लेके T3 तक जो जो हम लोग का बैलेंस एक्टिविटीज़ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आज के वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा जानकारी के लिए स्किप मत कीजिएगा और नए कोई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आप लोग इसमें कुछ देख सकते हैं, हम लोग का स्टील यार्ड का कुछ फुटेज आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टील कटिंग बेंडिंग का इधर काम चल रहा है, जहाँ से हम लोग स्टील कटिंग बेंडिंग करके अपने साइट पे ले जाके बनाते हैं। अब चलिए मेन टॉपिक्स में आते हैं। ये है मैं हम लोग का T2 टनल वाला साइट, जहाँ पे रिसेंटली हम लोग अभी 2 दिन पहले डेक स्लैब कास्टिंग किया है। और ये जो पोर्शन आप लोग देख सकते हैं 15 मीटर लेफ्ट ओवर पोर्शन है जो हम लोग छोड़ के रखा था आगे का कंक्रीट करने के लिए। बहुत लोगों का कमेंट आया कि ये 15 मीटर क्यों छोड़ के रखा है, कब होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ये 15 मीटर जो पोर्शन है हम लोग के डिज़ाइन पर्पस के चलते हम लोग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एज़ पर डिज़ाइन हम लोग को 100 टन लोड आगे में डाल के रखना था। तो इसी वजह से हम लोग का ये काम छूट गया था, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला बहुत जल्दी। आप लोग देख सकते थे कि उधर जो एरिया क्लीनिंग का काम उधर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एरिया को क्लीनिंग किए जा रहे हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ आगे आके, तो आप लोग मैं अभी डेस्क स्लैब के ऊपर खड़ा हूँ, T3 टनल आगे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं हैंड रेलिंग जो है हम लोग का, बोथ साइड में हैंड रेलिंग मिसेलेनियस एक्टिविटीज़ में ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो इसका भी काम चल रहा है, जो कि हम लोग आधा ब्रिज कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो क्रैश बैरियर है मेन ब्रिज का, वो अभी तक हम लोग किए नहीं थे, जिसका काम भी हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए। हम लोग का जो ट्रेवलर ट्रॉली था वो चला, हम लोग का स्लैब के ऊपर चलता था, जिसके वजह से हम लोग एक क्रैश बैरियर का काम पेंडिंग रखा था। अभी हम लोग का ट्रेवलर ट्रॉली का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया, तो हम लोग अपना क्रैश बैरियर का भी काम स्टार्ट कर दिए। आप लोग देख सकते हैं आगे T2 टनल दिख रहा है, और यहाँ पे क्रैश बैरियर जो हम लोग लेटा के रखा था उसको ऑलरेडी सीधा करने के लिए आदमी हम लोग के लग चुके हैं, और बहुत जल्द ही इसका हम लोग कास्टिंग शुरू कर लेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग अपना सेंट्रल एम्बैंकमेंट की तरफ। आगे T3 टनल देख रहे हैं और मैं हूँ मेन ब्रिज के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं ये सेंट्रल एम्बैंकमेंट का काम भी ज़ोरों से चल रहा है। यहाँ पे इक्विपमेंट्स आप लोग को नज़र आ रहा होगा जो कि, और यहाँ पे बता दूँ कि ये आप देख सकते हैं मैं अपना मेन ब्रिज के ऊपर से कितना आसानी से जाम करके आ गया। मतलब इतना ही पोर्शन हम लोग का बाकी है, मानिए 600 या 700 mm का कुछ पोर्शन बाकी है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला। उसके बाद बात करता हूँ, जो हम लोग का रिटेनिंग वॉल था उसका भी काम स्लैब के चलते कुछ दिन बंद हो गया था, तो वो भी आज हम लोग चालू कर दिए। आप लोग देख सकते हैं आगे का एक्सकेवेशन हम लोग किए हैं, जहाँ पे हम लोग का आगे का रिटेनिंग वॉल बनने वाले हैं। तो ये हम लोग का रिटेनिंग वॉल का अपडेट। अभी मैं आपको
इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वहाँ लेके आया हूँ। मैं हूँ अभी AVD के ऊपर, हम लोग का जो AVD है, यहाँ से आप लोग को T3 टनल देख रहे हैं। आगे जो टनल है वो T3 टनल है और हम लोग है अभी AVD के ऊपर, जहाँ पे हम लोग का चल रहा है न्यू जर्सी क्रैश बैरियर, जो कि एक मिसेलेनियस एक्टिविटीज़ में आते हैं। हम लोग का मेन जो बालास्टी ट्रेनर जो क्रैश बैरियर है, उसके अलावा हम लोग का रोड साइड बैरियर एक लग रहा है, जहाँ पे हम लोग का सर्विस रोड है, वहाँ पे ये प्रीकास्ट हम लोग बना रहे हैं। गेस आप लोग देख सकते हैं, साथ साथ ये शटरिंग का फॉर्म वर्क यहाँ पे रेडी है। ये प्रीकास्ट होने वाला है, हम लोग साइट में इधर कास्ट करेंगे, फिर उधर ले जाके हम लोग इसको प्लेस करेंगे। ये एक एक्टिविटीज़ मिसेलेनियस मेन एक्टिविटीज़ में आते हैं, जो जिसका काम भी हम लोग का इधर चल रहा है। ये प्रीकास्ट करके इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा गैस रखा हुआ है, और आगे में आपको T2 टनल दिख रहा है ब्रिज के उस पर, और ये कुछ ब्रिज का नज़ारा इस तरफ दिखता है। इधर से आगे आपको T2 टनल दिख रहा है और मेरे बैक साइड में है T3 टनल, उसी के बीच में जो हम लोग का AVD है उसी में हम लोग का ये प्रीकास्ट जो न्यू जर्सी बैरियर या रोड साइड बैरियर जो भी बोले आप लोग, उसका काम चालू हो गया है। तो ये था हम लोग का कुछ मिसेलेनियस एक्टिविटीज वर्क, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मिसेलेनियस एक्टिविटीज़ के साथ मैं आप लोगों के पास आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।